सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रोग्राम आज तय हुआ, अरुण भैया तुम दिखे नहीं, तो मतलब कहाँ आया, लैग नहीं पड़ा था। प्रोग्राम आज तय हुआ और आप लोग कम वक्त के अंदर आप लोगों ने वक्त दिया और यहाँ पर हाजिर है, मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा। कल आप लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर, व्हाट्सएप पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, जो महाराष्ट्र के इलेक्ट्रॉनिक चैनल मराठी, उस पर अखबार के आप लोगों ने देखा, सुना और पढ़ा कि कल मैंने इस्तीफा कांग्रेस पार्टी से दिया और मैं अपने आप को पार्टी से अलग कर, और कल ही मैंने ऐलान किया था। जब मुझको मीडिया वालों ने सवाल किया कि अब आइंदा का कदम आपका क्या होगा, क्या बेटा आपका आइंदा का कदम क्या होगा, कौन सी पार्टी में जाएंगे या आप क्या करोगे, तो मैंने उसी वक्त ऐलान किया था कि हर वक्त हम लोग हमारी अपनी मन की करते हैं, लेकिन इस मर्तबा मैं शहर की आवाम तक जाऊंगा, हर इलाके के अंदर, हर वार्ड के अंदर जाऊंगा, आवाम से राय लूंगा और आवाम जो फैसला सुना देगी उसके ऊपर अमल करूंगा। ये ऐलान मैंने कल किया और आज से मैं हर वार्ड के अंदर, मोहल्ले के अंदर निकला और अभी ये चौथी मीटिंग आप लोगों की, आप लोगों को जो मशवरा करने के लिए बुलाया। कल से आवाम बहुत कंफ्यूज है, हर नौजवान, हर बुजुर्ग, हर माँ बहने, हर बच्चे के जहन में ये बात है कि शेख आसिफ ने आखिर पार्टी से अलग की, क्या वजह। मैं आज वजह नहीं बताऊंगा, बहरहाल कोई ना कोई तो वजह होती है। 19 तारीख को ये जुमा जाकर आइंदा जुमा अब्बास नगर नजमुद्दीन हाजी हजूर वाले के मकान के पास में बहुत बड़ी मीटिंग शहरी लेवल के ऊपर मैं रखने वाला हूं, आप लोग को बुलाने वाला हूं, शहर के आवाम को बुलाने वाला हूं और वहां पर मैं वजह भी बताऊंगा और आप लोगों का जो आज मशवरा आएगा उस मशवरे के मुताबिक मैं फैसला भी करूंगा। बहरहाल मेरा परिवार कांग्रेस पार्टी से बरसा बरस से जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं अलग हुआ। कई लोग ये सोच रहे हैं कि कुछ घर के अंदर तो कुछ मामला नहीं है, शहर में भी अलग अलग घरों के अंदर अलग अलग पार्टियां होती है, एक घर के अंदर उधर भी अलग अलग होता है, एक घर में चार भाई है तो दो अलग पार्टी, दो अलग पार्टी में भी रहता है, सियासी घरानों में भी है और रियासत में भी और देश लेवल के ऊपर भी, बड़े बड़े राजकरण के अंदर मैं भी अलग हो गया, लेकिन मेरे अपने परिवार के अंदर कोई भी इख्तलाफ न कल था ना आज है और इंशाल्लाह कयामत तक नहीं रहेगा। ये बात मुखालफिन जो फैला रहे हैं वो जहन से साफ हो जाना चाहिए, लेकिन मैंने जो बहुत सारी चीजें सोचा हूं, हम लोगों ने ये शहर की काया पलट करने की मैंने शुरुआत की 2014 से 2019 तक, मैं एमएलए रहा, बहुत मेहनत, बहुत संघर्ष किया भाजपा की सरकार की और काया पलटने की कोशिश भी की और बहुत हद तक हम लोग कामयाब भी हुए। शहर का विकास, शहर का डेवलप, नौजवान, तालीम, बुनकर, मजदूर सबको साथ लेकर चलने की कोशिश, लेकिन अल्लाह को मंजूर नहीं था। 19 में मैं इलेक्शन हार गया
और ये साल सवा साल हालात क्या है ये आप लोग जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। शहर की मैं आज आप लोगों से मशवरा लेने के लिए आया हूं, और मैंने हर मीटिंग के अंदर मैं कुछ जुमले दोहरा रहा हूं कि सत्ता के साथ लोग चलते हैं, ये दुनिया सत्ता के पीछे भागती है, ये आपने देखा है। 14 से पहले सब कांग्रेस पार्टी के साथ, 14 से लेकर आज तक नरेंद्र मोदी की हुकूमत बनी सब भाजपा में चले, सब पार्टियां खत्म होने लगी, सब सत्ता के साथ जाने लगी, और हर आदमी सोचता कि सत्ता के साथ, सब लोग जाने की कोशिश करते। लेकिन आज मैं बहुत मुतमईन हूं कि महाराष्ट्र में भी कांग्रेस पार्टी बराबर के हिस्सेदार है, और आज सत्ता में है, और सत्ता में रहते हुए मैं अलग हुआ है, यह मुझे अपने आप पे फक्र भी है। और सत्ता के पीछे भागने वाला सत्य नहीं, लेकिन जहां मेरे शहर का मुफाद होगा, जहां मेरे शहर के नौजवानों का मुफाद होगा, जहां मेरे हमारे बच्चों के तालीम का मुफाद होगा, जहां शहर के मजदूरों का मुफाद होगा, जहां छोटा मोटा व्यापार करने वालों का मुफाद होगा, जहां हमारी माँ बहनों का मुफाद होगा, जहां हमारे बुनकरों का मुफाद होगा, जहां हमारे शहर के डेवलपमेंट का मुफाद होगा, मैं वहां जाने की कोशिश करूंगा। आपकी राय, राय आपको देना, ये सब मुद्दे को सामने रखकर अगर आप राय देंगे तो शहर के लिए भी बेहतर होगा और समाज के लिए भी बेहतर होगा, और ये शहर के गरीबों के लिए भी बेहतर होगा। उसको सामने रख के मैं राय ले रहा हूं, और आपकी जो राय आ जाए, चाहे मैं यही खड़ा रह जाऊं, या मैं आजाद रहूं, या मैं कोई सेकुलर पार्टी में जाऊं, ये तो तय है कि मैं कोई भी तिरका फर्श पार्टी में नहीं जाने वाला हूं, ये तय है। चाहे वो हिंदू फिरका परस्त हो, चाहे वो मुस्लिम फिरका परस्त हो, मैं तो नहीं जानता। बहरहाल कल से और आज तक, यहां आने से पहले तक, मुझको हमारे कांग्रेस पार्टी के लीडरान के भी फोन आए, अलग अलग पार्टियों के लीडरान के भी फोन आए कि आप हमारी पार्टी में आ जाओ, दावत दे रहे थे कि आप आ जाओ, हम आपको इज्जत देंगे, एहतराम देंगे, ये देंगे। लेकिन मैंने सभी लोगों को एक जुमला कहा कि कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया हूं, मैंने ये कहा हूं कि मेरे वर्कर, मेरा पार्टी वर्कर, मेरा हमदर्द, मेरे शहर, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान, मेरी माँ, मैंने जो कहेंगे मैं वो करने वाला हूँ। मैं आज कोई कमिटमेंट नहीं कर सकता आपसे, कोई वादा नहीं कर सकता, जो फैसला होगा शहर की आवाम करेगी, और मुझे उम्मीद है कि शहर की आवाम अपने मुफाद, शहर का विकास, शहर का डेवलप, हमारे बच्चों की तालीम, हमारे बच्चों का भविष्य, मजदूरों का भविष्य, उसको सामने रखते मशवरा देगी। मुझे उम्मीद है कि शहर की आवाम अच्छा मशवरा मुझको देगी, और हम लोग ये शहर के अंदर बहुत सारे मसाइल एक के बाद पैदा हो गए, और आप लोगों को पता है मैं संघर्ष करने वाला इंसान हूं, और मैं संघर्ष करके ही आगे बढ़ना चाहता हूं। बना बनाया जा रहा, वहां जाके बैठ जाना तो आसान है, लेकिन मैं संघर्ष करके आगे बढ़ना चाहता हूं, और मैंने काया पलटने की कोशिश की, संघर्ष भी किया, लेकिन कुछ लोगों को वो अच्छा नहीं लगा। लेकिन अगर आप लोगों ने चाहा, आप लोग तैयार रहे, आप लोगों का मशवरा आया, तो जरूर दोबारा हम इस शहर की काया पलटने का एक अहम रोल हम अदा कर सकते हैं, अहम रोल।
आप लोगों ने देखा कि कभी मैंने मेरा जाति मुफाद नहीं देखा, मैंने शहर का मुफाद देखा हूं, समझा हूं और आज भी मैं काम कर रहा हूं, आज भी मैं गरीबों के काम कर रहा हूं, जो मेरे तक आ रहा है मैं सबके काम कर रहा हूं, मसाइल हल कर रहा हूं, आवाम से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, आवाम से रابطہ बनाने की कोशिश कर रहा हूं, चाहे वो कोई भी तरीके से हो, कोई भी बहाने से हो। और मुझे लगता है आने वाले दिनों के अंदर आवाम ये बातों को समझेगी और मुझे लगता है कि अच्छे मशवरे भी देगी और इंशाल्लाह हम लोग मिलकर अच्छा फैसला लेंगे। लाल लाड के नौजवान बुजुर्ग उधर ये बोलना है ना आपका, और किसका बोलना है? आतिक भाई, आतिक हाँ, आतिक साहब किधर? आतिक शेख साहब का भी ये बोलना है, बहुत अच्छे हमारे सोशल वर्कर है। हाँ, जावेद टेलर। अच्छा, आज जावेद साहब ऐसा बोल रहा है कि सेकुलर पार्टी में शमूलियत इख्तियार करो, वार्ड के लिए नहीं, शहर के लिए नहीं, कौम के लिए भी कुछ काम जो पार्टी हमें देंगी, वादा करेगी ऐसी पार्टी में जाओ। तो उनके ऐसी राय है कि दो सेकुलर पार्टियां फिलहाल मालिक अफगानिस्तान में मौजूद है, कांग्रेस और दूसरे राष्ट्रवादी। तो उनकी ऐसी राय है कि राष्ट्रवादी में शमूलियत इख्तियार करना चाहिए। हाँ इस्माइल भाई, हाँ इस्माइल भाई, अखिल वाले, खिचड़ी वाले, उनका भी ये कहना है कि आशीष साहब जिधर वो भी उधर। और किसका बोलना है भाई प्रोग्राम को? क्या नाम है? जयाज भाई, जयाज भाई हमारे, उनका भी बोलना है। क्या बोलना है आपका? आशीष साहब जिधर जयाज भाई भी उधर। और किसका क्या बोलना है भाई? हाँ बोलो, जल्दी से बोलो राय दो। आशीष साहब हमारे महबूब लीडर हमारे बीच आए, हाथ उठाओ भाई, हाथ उठा के दो राय। आशीष साहब जिधर, हाथ उठाओ सर। एक मिनट, मैं एक नारा बोलूंगा कि आशीष साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। सारा हो जाएगी बात की, एक आवाज में बोलना चाहिए। आशीष साहब तुम आगे बढ़ो, आशीष साहब तुम आगे बढ़ो। हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में हमारे कायदे नस्ल नौ जो उन्होंने बहुत संघर्ष किया है, बहुत ज्यादा यहाँ पर शहर की भलाई के लिए पूरा पूरा अपने आप को वक्फ कर दिया है। 110-20 किलो का वजन था, शायद कितना वजन था सर? 200 किलो का वजन लगभग था, लेकिन वो वजन को ना देखते हुए आज मेरे 110 किलो वजन है। मैं तो यहाँ से जम्मू हाईस्कूल तक चलने के लिए 100 टेम सोचता, 300 किलोमीटर चल रहे। आज एक अगर एक मंजिला दो मंजिले पे चल जाता तो पूरा अपअप करने लग जाता। तो ऐसे हालात है और बाकी लीडरों के तो ऐसे मामला थे कि तो दो कदम भी नहीं चल सकते, लेकिन आशीष साहब ने 300 किलोमीटर का पैदल सफर किया, उसके बाद 100 किलोमीटर का और सफर किया। आशीष साहब का बोलना यही था कि हमारे शहर के जो MLA नुमाइंदा है इसे परेशानियों में हमें अकेला छोड़ दिया। मैं एक मशवरा देना चाहूंगा साहब को, क्या एकदम खुल के राष्ट्रवादी से अभी से ऐलान करते। राष्ट्रवादी पार्टी अभी हमारे महाराष्ट्र में मजबूत पार्टी है और मैं चाहूंगा पब्लिक की राय भी यही है साहब कि राष्ट्रवादी में जाए। और आज के बाद से रोड के ऊपर कितंबा करे, सियासत में सियासत है ना, ऐसी कितंबे वाली करे जो मुखालिफ पार्टी के लोग करते हैं, कितंबे वाली सियासत करे। नौजवानों को है ना सिर्फ कितंबे वाली सियासत चलती साहब। और मेरी राय यही है कि राष्ट्रवादी से बेहतर कोई पार्टी नहीं। कांग्रेस तो दोनों है ना, वहाँ शिवसेना के BJP के साथी है ना, तो तू ये कांग्रेस से क्या हुआ तुम्हारा? ये जो कांग्रेस जो तुमने 19 तारीख को बताएंगे ना, 19 तारीख आशीष भाई जिधर रहेंगे हम लोग सब, आशीष भाई सिलसिला में रहे, राष्ट्रवादी में रहे, वो जहाँ भी रहेंगे, जहाँ आजाद भी रहेंगे, तो अपन वहाँ रहना है। आशीष भाई जा रहे हैं, अपन वहाँ रहना है। अस्सलाम वालेकुम। अरे आशीष साहब ने कांग्रेस पार्टी छोड़ा, अलग ये चीज का हमको भी दुख था क्योंकि हम भी काफी अर्से से कांग्रेस पार्टी से लगे हुए, लेकिन हमारे कायद ने अगर कुछ सोच समझने के बाद जो भी उनका अपना मशवरा होगा, उन्होंने जो भी फैसला लिया होगा, हम ये समझते हैं कि हमारे लिए वो बेहतर समझ के वो फैसला उन्होंने लिया, इसलिए हम ये चाहेंगे वो जिस पार्टी से चाहे, चाहे राष्ट्रवादी है, मैं ये बोलूंगा किसी को अच्छा लगे कि बुरा लगे,
अगर वो शिवसेना की तरफ भी अगर चले जाएंगे तो इंशाल्लाह हम उनकी तारीफ करेंगे। आप कोई भी पॉइंट में जाएंगे हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूँ कि आसिफ तवक्कल साहब ये भी उनसे भी गुजारिश है, आसिफ साहब जिधर हम उधर। बहुत बहुत शुक्रिया। नागरिक सोशल फाउंडेशन के सदर जनाब खलील भाई से भी गुजारिश है कि वो भी अपनी राय पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। रोबोट वाले गावी से भी गुजारिश है कि आप भी अपनी राय रखें। मैं बुजुर्गों से भी गुजारिश करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बुजुर्गों से गुजारिश करूंगा कि उधर अयूब भैया बैठे हैं, उधर हमारे पप्पड़ वाले कालू, बुजुर्गों से भी गुजारिश है आपकी दुआएं आसिफ साहब के साथ रही तो यकीनन बस 10-5 मिनट। बहुत बहुत शुक्रिया। जमाल भाई कुंडई वाले से भी गुजारिश है, हमारे अकबर भाई चादर वाले इनसे भी गुजारिश है। बहुत काल कहिए आपका भी राय रखे। बहुत शुक्रिया यूसुफ भैया। साबरदी हाँ कहिए यूसुफ भाई, आसिफ साहब के साथ है वो। बहुत बहुत शुक्रिया।